नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। अगले साल होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने शुरू की तैयारियां। पार्टी इस महीने बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम करने जा रही है शुरू। प्रदेश बीजेपी ने दिल्ली के मतदाताओं से जुड़कर अपने प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए 11,000 छोटी और मध्यम जनसभाओं का रखा है लक्ष्य। महासचिव हर्ष मल्होत्रा ने कहा, पार्टी ने 21 सदस्यीय कार्यकारी समितियों का किया है गठन। 15 सितंबर से शुरू होगा ये कार्यक्रम। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी शासित नॉर्थ एमसीडी ने क्लिनिक चलाने के नाम पर अपने लोगों को हजारों करोड़ रुपए की जमीन मुफ्त में देने का किया है फैसला। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि निगमों में सत्तासीन बीजेपी हर महंगी जमीन को सस्ते दामों में बेच रही है और अस्पतालों को नीलाम करने की कर रही है तैयारी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस आज से दोबारा चरणबद्ध तरीके से खुलेगा। फिलहाल पीएचडी अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए विभाग, लाइब्रेरी व लैब के खुल रहे हैं दरवाजे। कैंपस में प्रवेश के लिए दिखानी होगी 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट। कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों के छात्रों, शिक्षकों व कर्मियों के कैंपस आने पर रहेगी रोक। मास्क पहनना होगा अनिवार्य। यदि कोई कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करता है तो की जाएगी कानूनी कार्रवाई। राजधानी में कम होता दिख रहा है कोरोना का असर। बीते 24 घंटे में 65,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 30 नए मामले। संक्रमण से लगातार छठे दिन एक भी मौत नहीं। राजधानी में अब एक्टिव केसों की संख्या 351, अस्पतालों में 228 मरीजों का और कोविड केयर सेंटर में 2 मरीजों का चल रहा है इलाज। होम आइसोलेशन में है 91 मरीज, 33 मरीज संक्रमण से हुए ठीक। कोरोना महामारी में इस साल रामलीला मंचन होगी या नहीं, इस पर 7 सितंबर को स्थिति होगी साफ। रामलीला मंचन पर दिल्ली के तमाम रामलीला कमेटियों ने 7 सितंबर को झंडे वालन मंदिर में बुलाई है मीटिंग। 7 सितंबर को होने वाली मीटिंग में रामलीला आयोजन को लेकर तैयारियों पर होगी चर्चा। हालांकि रामलीला में भाग लेने वाले कलाकारों और आयोजकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना होगा अनिवार्य। फिलहाल डीडीएमए ने रामलीला मंचन को लेकर अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं की है जारी। दिल्ली में अब अस्पतालों में वायरल फीवर और सर्दी जुकाम के मरीजों की बड़ी संख्या। पिछले 2 सप्ताह में अस्पतालों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, कमजोरी से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। डॉक्टरों के मुताबिक मौसम में बदलाव के कारण शरीर में दिख रहे हैं वायरल फीवर के लक्षण। लोगों को थकान, खांसी, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, सिर दर्द और ठंड लगना जैसी शिकायतें। डॉक्टरों की सलाह, हिसाब से दवाई लें। बुखार और बाकी लक्षण होने पर खुद को आइसोलेट रखें। विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू और स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में बेहद सतर्क रहने की है जरूरत। राजधानी दिल्ली में खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। इजरायली दूतावास पर हमला करने की फिराक में है आतंकी। इजरायली दूतावास और इससे जुड़े संगठनों की सुरक्षा को बढ़ाया गया। 6 सितंबर को इजरायली नागरिक नव वर्ष मनाते हैं। इस मौके पर दूतावास में लोगों की जुटती है भारी भीड़। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक दूतावास में घुसकर इजरायली नागरिकों और यहूदियों को निशाना बनाने की फिराक में आतंकी। पुलिस ने इजरायली दूतावास, वाणिज्य दूतावास और अन्य कर्मचारियों के आवास की बढ़ाई सुरक्षा। दिल्ली में 2024 तक हर घर में 2400 घंटे पानी की आपूर्ति करने की केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजधानी को 3 जोन में बांटा। पूर्व और उत्तर पूर्वी जोन, दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी जोन और पश्चिम और उत्तर पश्चिमी जोन। इस प्रोजेक्ट के तहत राजधानी की 77% आबादी को पानी की आपूर्ति की जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड हर दिन करीब 935 मिलियन गैलन पानी की करता है आपूर्ति। अनुमान के मुताबिक दिल्ली के पास मार्च 2025 तक 1305 MGD पानी होगा। दिल्ली के कारोबारी को अपने उत्पादों पर इंटरनेशनल ब्रांड गुच्ची के लोगों का इस्तेमाल करने पर अदालत ने लगाई रोक। इटली के फ्लोरेंस स्थित लग्जरी फैशन हाउस ने अदालत में याचिका दायर कर इम्तियाज शेख की कंपनी शिप्रा ओवरसीज के उत्पादों पर उसके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने का लगाया था आरोप। जिला न्यायाधीश ने कहा, दिल्ली स्थित कारोबारी के परिसर में लिए गए सभी उत्पादों को गुच्ची को सौंपा जाए और किया जाए नष्ट। साथ ही अदालत ने कंपनी पर लगाया भारी जुर्माना। राजधानी दिल्ली में अगले 5 दिनों के बीच हल्की बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद। लोगों को गर्मी और उमस से मिलेगी राहत। मौसम विभाग का अनुमान, आज से अगले 5 दिनों के बीच हल्की बारिश की संभावना। इस दौरान कहीं कहीं मध्यम बारिश की है उम्मीद। लोगों को जलभराव की समस्या का भी करना पड़ सकता है सामना। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।